Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 13, Motion and Time of Science, Standard 7, Part 1. Basically, in this chapter, I will explain you what is speed, how to measure speed, and how to measure time and distance covered by an object when it is in motion. What is generally a motion? If one object is moving from one place to another place, then we can say that it is in motion. तो कोई भी object जब motion में होता है ना, तब वो कुछ distance cover करता है in the given time period or in certain time period. So I am going to explain how they are related with each other. So let's start. A motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. अब मोशन जो है ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं. वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन है. दिस वन इज़ नॉन एज सर्कुलर मोशन. ये जो मैन है ना वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. एंड दिस वन इज़ अ पेंडुलम, जिसका मोशन है वो पीरियोडिक है. मतलब एवरी सर्टेन इंटरवल ये जो मोशन है ना वो रिपीट होती है इसकी मूवमेंट. The motion of some objects is slow while that of some others is fast. कुछ objects जो है वो slowly move करते हैं, कुछ objects जो है वो fast move करते हैं. For example, अगर car की बात करें तो वो as compared to cycle faster move करती है. And if we talk about cycle, then वो as compared to car slower move करती है. Some vehicles move faster than others. Even the same vehicles may move faster or slower at different times. As I explained you about the example of the cycle and car, तो उसमें हमने देखा कि different जो vehicles हैं उनकी speed different होती है. Even same vehicle है ना उसकी भी speed different हो सकती है. For example, अगर आप किसी traffic पे फंसे हो तो definitely आपके जो vehicle है ना उसकी speed जो है वो slow होगी. But अगर आप एक हाईवे पे हो जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी. तो सेम व्हीकल की स्पीड जो है वो भी ज़्यादा या कम हो सकती है. हियर यू कैन सी ये जो कार है, ये जो व्हीकल है उसके कंपेयर में बाकी सब व्हीकल्स जो है ना वो फास्टर मूव कर रहे हैं. इफ़ Vehicles are moving on a road in the same direction. We can easily tell which one of them is moving faster than the other. अब रोड पे सेम ही डायरेक्शन में अगर व्हीकल्स मूव कर रहे हैं देन हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोअर है. फॉर एग्जांपल इस व्हीकल के कंपैरेटिवली बाकी सारे व्हीकल्स जो है ना वो फास्टर मूव कर रहे हैं. हाउ वी कैन से बिकॉज सब व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं. Now let's discuss what is speed. A higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a large distance covered in a given time. अब हम कई बार बोलते हैं कि ये व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि अगर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है ना, लाइक वन प्लेस से अनदर प्लेस जाना है, तो स्पीड फास्टर है तो हम शॉर्टर टाइम में कवर करेंगे यानी जल्दी से पहुंच जाएंगे. या तो हमें बोला है कि इस व्हीकल को लेके आपको 1 आवर तक जो है वो उसको ड्राइव करना है, चलाना है, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे बिकॉज स्पीड ज़्यादा है. नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है ना उसको हम स्पीड बोलते हैं. दैट यूनिट टाइम माइट बी सेकेंड, मिनट और एन आवर. अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑन अ रोड 50 किलोमीटर इन 1 आवर. अब सपोज आपको ये बताया है कि एक कार जो है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट वो 1 आवर के अंदर ना 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगी. हाउ एवर अ कार सेल्डम मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर.
हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि कार जो है ना वो 50 किलोमीटर्स की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, बट दिस वन इज़ नॉट द आइडियल केस बिकॉज स्टार्टिंग जब होगा तब स्पीड कम होगी, धीरे धीरे स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है, ट्रैफिक है तो स्पीड स्लो भी हो सकती है, अगर कहीं पे रोड में इतना ट्रैफिक नहीं है देन फास्टर भी हो सकती है, जनरली कॉन्स्टेंट स्पीड से हम व्हीकल को नहीं चलाते. In fact, it starts moving slowly and then pick up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. So, generally हम क्या consider करते हैं कि 1 hour के अंदर जितना distance cover किया ना वो distance divide by time करके हम उसकी जो speed है ना वो find करते हैं, वो speed actually throughout the journey constant नहीं होगी. We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. हम ये bother ही नहीं करते कि वो constant speed थी या नहीं थी. The speed calculated here is actually the average speed of the car. तो हम जो speed calculate करते हैं ना वो average speed होती है. So speed is equals to total distance covered divided by total time taken. Total कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम, इन दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तब हम स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं. इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. अगर जो स्पीड है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. And an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform. But अगर कोई भी object straight line में move कर रहा है, it means अगर उनका ना distance by time का ratio आप लोगे ना y by x, तो वो constant रहेगा, तो उस motion को हम uniform motion बोलते हैं. This one is an example of the uniform motion or we can say uniform speed, and second one is an example of the non-uniform speed. Now measurement of time. How we can measure time? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. अब पहले के टाइम पे ना घड़ी जो हमारे पास अभी है, जो हमारे पास क्लॉक है, वॉच है, ये सब अवेलेबल नहीं था. तो वो लोग कैसे टाइम जो है वो डिफाइन करते थे कि कितना टाइम हुआ? तो नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसी इवेंट्स है ना कि जो पीरियोडिकली रिपीट होती है, जैसे मॉर्निंग के अंदर सनराइज होता है, इवनिंग के अंदर सेट होता है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. अब आज सनराइज हुआ, वहाँ से लेके कल जब सनराइज होगा तब तक के टाइम को हम वन डे बोलते थे, जो 24 hours कवर करता है. Similarly, a month was measured from one new moon to the next. अब हम मंथ कैसे मेजर करते थे पहले के टाइम में? बिकॉज उस टाइम पे कैलेंडर की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो न्यू मून डे से लेके नेक्स्ट न्यू मून डे तक का जो टाइम था उसको हम वन मंथ कंसिडर करते थे. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. अब ईयर कैसे डिसाइड होता था? कि अर्थ के अराउंड जो सन है वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, उसको वन ईयर बोला जाता था, और उसमें सारे सीजन्स जो है ना वो कवर्ड अप होते थे. क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. नावाडेज हमारे पास क्लॉक्स एंड वॉचेस है जिससे हम इजीली टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं, और इवन उनसे हमें ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट टाइम मिलेगा. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. अब periodic motion जो है ना उसका best example है simple pendulum जो to and fro move करता है. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid chain by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. This one is the bob of the pendulum, जहाँ पे मेटालिक बॉल या तो स्टोन होता है,
ऊपर एक हैंगिंग होता है और हैंगिंग से ना थ्रेड के साथ ये बॉल या तो स्टोन जो है वो टाई किया हुआ होता है और ये कंटिन्यूसली पीरियोडिकली यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, दैट यू कैन सी. द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मेन पोजिशन व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट्स लाइटली टू वन साइड इट बिगिन्स टू मूव टू एंड फ्रो. अब जनरली जब आप पेंडुलम को रखते हो ना तो वो जो स्टेडी पोजीशन में इंटरमीडिएट पोजीशन में जो होता है जिसको मेन पोजीशन बोली जाती है, जब आप उसको एक साइड लेके जाओ और वहाँ से आप उसको रिलीज़ करते हो ना तो ये कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मूव करता है. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन. अब पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है वो एक पीरियोडिक मोशन है या उसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ए मूव्स टू सी टू बी एंड बैक टू ए. अब पेंडुलम जो है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ऐसा हम कब बोल सकते हैं, तो ये मेन पोजीशन से स्टार्ट करो, यहाँ से लेके वो पॉइंट सी पे जाता है जो एक्सट्रीम पोजीशन है, सी से वो बी पे मूव करता है, इट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, एंड बी से वापस ए पे आता है. सो यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ये हम बोल सकते हैं. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम ए, इट मूव टूवर्ड सी, सी से वो ए पे होके ही बी पे जाता है एंड अगेन वो बी से वापस ए पे आया. अब रिपीट करेंगे तो वापस वो सी 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 टू बी बी टू ए आएगा. सो ए से स्टार्ट करके सी पे सी टू बी एंड बी टू ए, तब जाके वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है. द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. अब जो ये टाइम लेता है ना वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको उसका पीरियड बोला जाता है. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clocks. पहले के टाइम की अगर आपने क्लॉक देखी होती तो वहाँ पे पेंडुलम होता था. अब जो क्लॉक्स है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिस वो सेल से चलती है और उसको हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स बोलते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट टाइम दिखाता है. एंड द टाइम मेजर बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर. ये जो है वो क्वार्ट्ज क्लॉक है. इवन नाउडेज वी आर हैविंग फैसिलिटी के जिसके अंदर ना डिजिटल क्लॉक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो डिजिटल क्लॉक्स जो है ना उसमें तो टाइम जो है वो मेजर करना टाइम देखना भी काफ़ी इजियर होता है. नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, उसके यूनिट्स क्या है. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इट्स सिंबल इज एस. टाइम जो है उसका बेसिक यूनिट जो है वो एस है, सेकेंड है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स. अब जो लार्जर यूनिट्स है वो मिनट्स एंड आवर्स है. मिनट्स को एम आई एन मीन से रिप्रेजेंट किया जाता है वाइल आवर्स को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम. डिस्टेंस जो है वो जनरली मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है. सो स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है. Different units of time are used depending on the need. For example, it is convenient to express your age in years rather than in days or hours. अब time का कौन सा unit use करेंगे ना वो depend है कि हम क्या measure कर रहे हैं. For example, if somebody ask you कि how old you are, आप कितने बड़े हो, then you would answer in terms of the years. वहाँ पे हम days, hours या month बताना convenient नहीं समझेंगे. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. Similar way, आप अगर school से घर कितने देर में पहुँचते हो उससे हम distance भी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. देन योर आंसर वुड बी इन मिनट्स और इन आवर्स. बट हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 0.01 इयर्स में हम घर पे पहुंचते हैं, लाइक दैट वी वॉन्ट यूज़. सो वहाँ पे हम मिनट्स या तो आवर्स को यूज़ करना कन्वीनियंट समझेंगे.
सनडायल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। अब कैसे टाइम को मेजर करते हैं, तो वहाँ पे हम पहले क्या यूज़ करते थे, यहाँ पे जो है वो सैंड क्लॉक है, जो सैंड है ना वो कितने टाइम पे आती है उससे मेजर होता है। देन ये जो है वो सनडायल है, जंतर मंतर पे ये सनडायल है, क्या होता है कि सन की पोजीशन चेंज होते ही हमारा जो शेडो है ना उसकी साइज चेंज होती है, सो अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड होता था। एंड दिस वन इज़ द वाटर क्लॉक। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च, ही नोटिस दैट अ लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विथ अ चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। गैलीलियो जो है वो साइंटिस्ट का नाम है और उनका जो लाइफ थी वो 1564 टू 1642 तक थी। दिस वन इज हिज बोन ईयर एंड दिस वन इज हिज डेथ ईयर। वो चर्च में एक दिन बैठे थे, उन्होंने नोटिस किया कि चर्च के अंदर ना एक लैंप को सस्पेंड किया गया था चेन से, और ये जो लैंप है ना वो स्लोली मूव कर रहा था। वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो वन साइड से अनदर साइड जाता है। दिस वन इज़ द पिक्चर ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विथ वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। अब उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है ना वो वेरीफाई करने के लिए काफ़ी सारे पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ऑब्जर्व किया। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, लेट्स डिसाइड। ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लेंथ जो है ना, दैट इज़ द चेन जिससे पेंडुलम अटैच होता है, जो बॉब अटैच होता है, वो लेंथ अगर सेम है तो उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लगता है। बट इफ़ यू चेंज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, आप जो थ्रेड की लेंथ है वो चेंज करोगे तो टाइम जो है वो चेंज होगा। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वेर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। अब ये जो हम क्लॉक्स यूज़ करते हैं ना वो रिफाइनमेंट है, मतलब उनको रिफाइन करके, मॉडिफाई करके फिर अब जो हम ये रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं वो बनाई गई है। बट उनका जो ये ऑब्जर्वेशन था कि लेंथ कॉन्स्टेंट होगी तो ऑसिलेशन का जो टाइम है ना वो भी फिक्स रहेगा, उसी के ऑब्जर्वेशन से पेंडुलम क्लॉक जो है वो बनी थी। सो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द मोशन एंड रिलेटिव स्पीड एंड हाउ वी कैन मेजर स्पीड। I will continue this chapter in the next session. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked the video, please don't forget to like my videos and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please don't forget to subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Keep watching the videos on my channel. Thank you.